सामने आ रही है, बड़ी खबर से रूबरू आपको कराएंगे। बड़ी खबर है, गुरुग्राम से प्रदूषण में सुधार हुआ, बारिश और हवा से प्रदूषण घटा है। पिछले दो दिनों से तेज हवा चल रही है, साइबर सिटी से जहरीला स्मॉग गायब है। वजह साफ तौर पर समझिए कि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, बारिश का दौर है, बर्फबारी का दौर है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं जमीन पर, या यूं कहें कि मैदानी क्षेत्रों में, उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पॉल्यूशन कम है और इसमें कोई दो राय नहीं कि पटाखों के बैन के बावजूद पटाखे जले थे, लेकिन अपेक्षाकृत पिछले सालों के मुकाबले कम पटाखे जले हैं। पराली पर भी नकेल कसने की कोशिश महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से पुख्ता देखने को मिली है, लेकिन अभी जरूरत है कि आप और ज्यादा जागरूक हो जाएं। एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ी खबर मौजूदा वक्त की, दिल्ली में प्रदूषण घटा है। अब राजधानी दिल्ली का हाल समझ लीजिए, क्योंकि सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व में बदनाम है दिल्ली प्रदूषण के लिए। नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन बदनामी भी आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण घटा है, ये खुशखबरी है दिल्ली वालों के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार भी हुआ है। कई इलाकों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। माफ कीजिएगा, दिल्ली में प्रदूषण घटा है, बड़ी खबर, अहम जानकारी है ये मौजूदा वक्त की। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मौजूदा वक्त की, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। हाल दिल्ली समझिए प्रदूषण के मामले में क्या है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, पिछले दो दिनों से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है उसमें जो है सुधार देखने को लगातार मिल रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से दिवाली के बाद जो बारिश हुई थी दिल्ली में, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है दिल्ली की प्रदूषित हवा को जो है साफ करने का काम किया है, और जो पार्टिकुलेट्स होते हैं 2.5 और 2.10 वो जो है कहीं ना कहीं छटते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका एक बड़ा कारण जो है हवा की गति भी जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है। फिलहाल हम इंडिया गेट पर खड़े हुए हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में सुधरती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन का जो स्तर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंच गया था 500 के आसपास, वो गिरकर अब जो है कहीं ना कहीं 150 से 200 के बीच में जो है पहुंच गया है। पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो वेरी पुअर कैटेगरी में जो है, सर्व कैटेगरी में जो है कहीं ना कहीं ये जो पोल्यूशन का स्तर है वो पहुंच गया था, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो मॉडरेट कैटेगरी में जो है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जो है प्रदूषण का स्तर देखने को मिल रहा है। मेरे एक साइड इंडिया गेट है और दूसरे साइड राष्ट्रपति भवन है। अगर हम इंडिया गेट एक समय देख पाते थे तो दूसरी तरफ जो है राष्ट्रपति भवन जो है ठीक ढंग से नहीं देख पाते थे। इस तरह की स्थिति जो है दिल्ली एनसीआर में जो है कहीं ना कहीं जो है बनती भी नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं पूजा, तो दिल्ली में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है काबू में पाई जा रही है। इसके पीछे कारण जो है कहीं ना कहीं मौसमी जो बदलाव है वो देखने को मिले, लेकिन इस जो प्रदूषण कम हुआ है इसको आगे किस तरीके से तमाम दिल्लीवासी, दिल्ली सरकार लेकर जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं लगता स्पर्श कि जिस तरीके से दिवाली के अगले दिन 999 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद प्रदूषण कम होने में लोगों का कोई योगदान नहीं है, मौसम का योगदान है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर पूजा, मौसम का एक बड़ा योगदान जो है दिल्ली के प्रदूषण में जो है जो गिरावट आई है उसमें कहीं ना कहीं जो है देखने को मिला है, क्योंकि दिल्ली के बाद जिस तरीके से बारिश हुई थी, बारिश के अगले दिन ही जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण में काफी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि जो लोग हैं वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं उसी तरीके का रूटीन जो है वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। पराली भी एक बड़ा कारण माना जाता था, जब दिल्ली में 700 के आसपास पॉल्यूशन हुआ करता था पिछले दिनों, तो 32% जो है पराली एक बड़ा कारण जो है माना जाता था,
था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी 150 से 200 के बीच में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, तो पराली महज 3% जो है कारण पोल्यूशन का रह गया है। दिल्ली सरकार जो है इसके लिए मुहिम चला रही है, लाल बत्ती ऑन, गाड़ी ऑफ, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जिस तरीके से बैन की बात कही जा रही है, तो ये तमाम कारण जो है कहीं ना कहीं अपनाए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा कारण जो दिल्ली के प्रदूषण में बदलाव का कहा जा सकता है, वो सबसे बड़ा कारण मौसम को ही कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बना करके रखे तो मौसम ने अपनी मेहरबानी दिखा दी। अब आप अपना योगदान दीजिए इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को बना करके रखिए, क्योंकि जब आप बेहतर सांस लेंगे, बेहतर हवा में सांस लेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए जनता टीवी की आपसे अपील कि अपना योगदान जरूर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि कहीं आपके एक इनिशिएटिव से क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बड़ी खबर सामने